पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। राजधानी दिल्ली में तापमान के गिरने का सबसे बुरा असर एयर क्वालिटी पे हुआ है। मैं इस वक्त आनंद विहार में हूँ, जो राजधानी का सबसे पोल्यूटेड एरिया है। इस समय आप यहाँ पर एक ये जो थिक लेयर है फॉग की, वो देख सकते हैं, और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसको कहते हैं, जो कितनी जहरीली हवा है उसको मेजर करता है, वो AQI इस समय यहाँ पर 452 है, जिसका मतलब कि वो सीवियर कैटेगरी में है। अब इसके क्या मायने हैं? इसके ये मायने हैं कि एक कैंसर कॉजिंग जो पोल्यूटेंट है, PM2.5 पोल्यूटेंट जिसको कहते हैं, वो WHO की सेफ लिमिट से 100 गुना ज़्यादा इस समय मौजूद है हवा में। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हवा में WHO की सेफ लिमिट से 100 गुना ज़्यादा है। अब एक बड़ी आपको दिलचस्प चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये स्मॉग टावर है। पवन, अगर आप इनको दिखाएं, ये स्मॉग टावर, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ये स्मॉग टावर्स राजधानी की हवा को साफ करने में पूरी तरीके से समर्थ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि इस डेंस फॉग में ये स्मॉग टावर भी छुप गया है। तो इससे ये साफ होता है कि सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं, चाहे वो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान हो, वो सब कदम कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लगातार चल रही हैं, इसके बावजूद कि जो स्टेज 3 है ग्रैप का, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही है। इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती है एयर क्वालिटी पैनल की, क्योंकि आए दिन वो कभी ये कर्ब्स उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं, कभी ये कर्ब्स फिर से लगा देते हैं। तो अब ऐसे में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरीके से फंक्शन करेंगी? अभी आनंद विहार है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बिजी एरिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ठंड से बचने के लिए भी, और वैसे भी काफ़ी लोगों ने यहाँ मास्क लगाया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है कि PM2.5 यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा है सेफ लिमिट से, और AQI एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर कैटेगरी में है, और आने वाले दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और गिरेगा, और एयर दिल्ली की राजधानी की जो हवा है वो और ज़्यादा जहरीली होती जाएगी। ऐसे में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो अभी भी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, और CAQM के जो सारे मेजर्स हैं वो फेल हो चुके हैं। नई दिल्ली में कैमरा सहयोगी पवन के साथ वेदांत, NDTV इंडिया।